पहले तो मैं तमाम पार्टीज के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम पार्टीज के लोग मुझे जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए आए, उसमें चाहे आरपीआई हो, वंचित बहुजन अघाड़ी हो, सेना हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पर जितने भी मेरे दोस्त अहबाब शहर से आए, मेरे वार्ड से आए, मैं तमाम वार्ड के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं और सभी नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जितने लोगों ने मुझे आके बधाई दी, जितने लोगों ने गुलपोशी की। और आज बड़ी खुशी की बात है कि मेरे अकेले का जन्मदिन नहीं, आज मेरे बेटे अशरफ खान भी 30 नवंबर को पैदा हुए थे। और आप बहुत खुशी की बात है कि मेरे घर में अशरफ खान को लड़की भी 30 नवंबर को ही, तीन तीन अश्मिरा खान, तीन तीन जन्मदिन आज हमारे पास मनाए जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और आप सब पत्रकार कल से लेकर आज तक नाट्य मंदिर से यहाँ तक आए, मैं तमाम पत्रकार बंधु का, भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम नौजवान साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम पक्ष वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सहकार्य किया, हमको बहुत अच्छे से यहाँ बर्थडे जन्मदिन मनाने दिया, उनका भी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आमदारगी की दुआएं लोग देते हैं, लोग चाहते हैं कि मैं आमदार बनूं, लेकिन अल्लाह ताला को अगर मंजूर है तो इंशाल्लाह ज़रूर आमदार बनूंगा। और जितनी मैं कॉर्पोरेशन में 25 साल से लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, विकास के काम कर रहा हूँ, विकास में सबसे बड़ा योगदान मेरा रहता, वैसे अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो बहुत अच्छी खिदमत करूँगा, बहुत अच्छा विकास का काम करूँगा। ये अलीशान, ये गुलपोशी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ये गुलपोशी करने मुबारकबाद दे रहे हैं माजी नगर सेवक सैयद नतीन साहब और नौजवान साजिद खान साहब, अफसर खान मित्र मंडल के हम सबके लाडले। जी हाँ दोस्तों, माजी अध्यक्ष साजिद खान साहब से गुजारिश करूंगा, हम सबके भाई दत्तू भाई आपके मंच की ओर प्रसिद्ध है। दत्तू भाई आइए, ये प्यार मोहब्बत, ये खुलूस, ये देखिए, ये हार जो है ये बहुत ही बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर ट्रेन के जरिए, ये इतना बड़ा, ये बेहतरीन सा हार जो कि खासतौर पर YouTube न्यूज चैनल के हमारे तमाम यहाँ पर पत्रकार बंधु, हमारे सभी मीडिया के सभी सम्मानित अतिथि यहाँ पर मौजूद अपने कैमरे में इस लम्हे को कैद कर रहे हैं। मंच पर हमारे तमाम दोस्त काफी देर से हमारे मार्गदर्शन से, अलग अलग डिपार्टमेंट से भी यहाँ पर कई खुशी मेहमान आ रहे हैं। और मैं जो कि बार बार मैं अनाउंसमेंट करता हूँ कि हमारे असल खान मित्र मंडल के माजी अध्यक्ष साजिद, हम सब के लाडले, जी हाँ, माजी महापौर और खासतौर पे सीनियर मोस्ट लीडर अफसर खान साहब के मार्गदर्शक हम कह सकते हैं, हम सब के लाडले, जी हाँ, रशीद खान बाबू यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। आपका अफसर खान मित्र मंडल की ओर से मैं तहदिल से दिलों की गहराइयों से इस्तकबाल करते हुए यहाँ पर साथी, लगातार हमारे सभी साथी तशरीफ ला रहे हैं, आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। और साथी और यहाँ पर मैं अपने एक दोस्त कॉल करता हूँ और साथ ही तमाम दोस्तों का यहाँ पर इस्तेमाल है मंच पर, और साथ ही माजी नगर सेवक सैयद मतीन साहब यहाँ पर पदार्थ गए हैं, आपका भी इस्तेमाल है। साथ ही शंकर भाई का भी मैं अफसरान मित्र मंडल की ओर से तहदिल से इस्तेमाल करता हूँ। साथ ही मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर बाबू भन साहब का भी इस्तेमाल है, स्वागत है। साथ ही मशहूर एक्टर डर्टी बॉस भैया दोस्तों, हम सबके लाडले शहजाद खान साहब भी मंच पर आ चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल स्वागत है। और साथ ही जी हाँ, मशहूर फिल्म एक्ट्रेस नागिन टीवी सीरियल की वो एक्ट्रेस, वो अभिनेत्री जिन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी अभिनय किया है, कृष्णा जी का भी यहाँ पर अफसर खान मित्र मंडल की ओर से, आवाज की ओर से आपका इस्तकबाल स्वागत है। आइए यहाँ पर ये महफिल खास जो कि यहाँ पर लगातार सुबह से, और साथ ही यहाँ पर यहाँ हमारे तमाम पत्रकार बंधुओं का यूट्यूब चैनल, न्यूज चैनल के हमारे तमाम यहाँ पर हाजिर संपादक, यूट्यूब चैनल, न्यूज चैनल के हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अरशद साहब का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है, और साथ ही जनाब इस्माइल भाई भी यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, आपका भी अरशद खान मित्र मंडल की ओर से इस्तकबाल है, स्वागत है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमारे सभी चैनल्स,
जितने भी यूट्यूब चैनल न्यूज चैनल हमारे भाई लगातार कल से कवरेज दे रहे हैं, आपका मैं आप सभी का अस्तित्व मित्र मंडल की ओर से शुक्रिया अदा चाहूंगा। और साथ ही आज की ये हसीन और रंगीन महफिल, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भाइयों आप सभी का इस्तेमाल यहाँ पर करते हुए स्वागत करते हुए चल पड़ते हैं इस महफिल को रोशन करते कुछ और प्यारे सतर्कों से। यहाँ पर लगातार मेहमान जा रहे हैं और साथ ही राज भाई भी यहाँ पर पधार चुके हैं, आपका भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज का ये बर्थडे सेलिब्रेशन जो कि अशरफ खान साहब और साथ ही हम सबके लाडले अशरफ खान साहब
आप पर है, इनके तरफ से खास अफसर भाई खान, इनके वास्ते स्पेशल डीजे की गाड़ी मंगाई गई है, स्पेशल बॉस के वास्ते गाना बजाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, ये प्रांतक भाई बार बार साहब का अनूठा तोहफा अफसर भाई के लिए। बहुत शुक्रिया, अनेक धन्यवाद। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से एक बार, क्योंकि आज यहाँ पर आज के इस आलीशान प्रोग्राम में यहाँ पर अलग अलग अंदाज में, अलग अलग स्टाइल में हमारे अफसर खान साहब को चाहने वाले यहाँ पर आकर उनका सम्मान सत्कार कर रहे हैं। कोई क्रेन के जरिए बड़ा सा हार पहना कर यहाँ पर दिया माजी नगर सेवक सैयद मतीन साहब ने स्वागत किया। उसके बाद यहाँ पर प्रांतोष भाई बात मारे अनूठे अंदाज में यहाँ पर डीजे की गाड़ी और साथी ये फेटा लेकर यहाँ पर हम सबके लाडले जी हाँ अफसर खान साहब का यहाँ पर सम्मान सत्कार किया। साजिद खान मित्र मंडल मंच पर आ चुका है और जी हाँ दोस्तों यहाँ पर स्वागत की तैयारी में काफी देर से यहाँ पर साजिद खान मित्र मंडल के हमारे सभी साथी
नेता हम सबके लाडले, जी हाँ दोस्तों नेता अभिनेता माजी विरोधी पक्ष नेता जी हाँ अफसर खान साहब का यहाँ पर गुलपोशी कर रहे हैं इमरान खान मित्रमंडल जो कि उनके साथी यहाँ पर, और मुबारकबाद दे रहे हैं अफसर खान साहब को, और साथ ही बड़े बॉय अशोक खान साहब को भी मुबारकबाद दे रहे हैं, साथ ही इस्तकबाल कर रहे हैं। मशहूर एक्टर अजहर खान साहब का भी यहाँ पर इस्तकबाल हो रहा है, और साथ ही फिरोज भाई भी यहाँ पर स्टेज पर हाजिर है। हमारे अहफाज खान साहब भी स्टेज पर हाजिर है, आपका भी मैं इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों। और साथ ही मंच पर यहाँ पर रशीद मामू भी यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों माजी महापौर लोकप्रिय नेता सीनियर मोस्ट जी हाँ पॉलिटिशियन माजी महापौर रशीद मामू साहब का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही शहजान भाई डायरेक्टर साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं, शहजान भाई डायरेक्टर साहब का मैं इस्तकबाल करता हूँ। शहजाद भाई जी हाँ दोस्तों मशहूर डर्टी बॉस फिल्म के एक्टर शहजाद खान साहब भी यहाँ पर जो कि मौजूद है, और साथ ही मशहूर एक्ट्रेस नागिन टीवी सीरियल की क्रिस्टीना जी भी यहाँ पर मौजूद है, आपका भी अफसर खान मित्रमंडल की ओर से स्वागत है। साथ ही मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन बिजनेस टाइकॉन उस्मान भाई का भी मैं आज के इस महफिल में स्वागत। बिल कॉर्नर के रफत यार खान साहब आपका यहाँ पर मैं अफसर खान मित्रमंडल की ओर से तहे दिल से दिलों की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और साथ ही जनाब गफ्फार भाई भी यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, मैं गफ्फार भाई का भी अफसर खान मित्रमंडल की ओर से इस्तकबाल करता हूँ, जो कि मुबारकबाद देने आए हैं खास तौर पर यहाँ पर, जी हाँ बॉस भाई यानी कि अफसर खान साहब को यहाँ पर मुबारकबाद दे रहे हैं रफत भाई रफत यार खान साहब, और साथ ही गफ्फार भाई भी यहाँ पर आ चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल है, स्वागत है, जो कि दिलपोशी कर रहे हैं अफसर खान साहब की। आइए दोस्तों साथ ही गीत और संगीत के इस दौर को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि एक बहुत ही प्यारा सा नगमा आपके सामने पेश करने के लिए हमारी दोनों गायिकाएं आ रही है, जी हाँ गीत के बोल लिखों का पूरा नगमा आपके सामने पेश करने के लिए अपनी सुरीली पेरी सी आवाज का जादू कल्पना जी पाटिल और मशहूर मारुफ गायिका कल साथ ही रेणु जी उनके साथ है, और जी हाँ बहुत ही जल्द मंच पर यहाँ पर मैं फिल्म स्टार को भी यहाँ पर दावत देना चाहूंगा, लेकिन मैं एक बात देख रहा हूँ
यहाँ पर दौलताबाद से तशरीफ लाए असर खान मित्रमंडल आपका तहे दिल से दिलों की गहराइयों से इस्तकबाल करता है, स्वागत करता है, साथ ही हमारे तमाम खुसूसी मेहमान साथी क्या दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो मैं तमाम पार्टीज के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम पार्टीज के लोग मुझे जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए आए, उसमें चाहे आरपीआई हो, वंचित बहुजन अघाड़ी हो, सेना हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पे जितने भी मेरे दोस्त अहबाब शहर से आए, मेरे वार्ड से आए, मैं तमाम वार्ड के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं और सभी नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जितने लोगों ने मुझे आके बधाई दी, जितने लोगों ने गुलपोशी की। और आज बड़ी खुशी की बात है कि मेरे अकेले का जन्मदिन नहीं, आज मेरे बेटे अशरफ खान भी 30 नवंबर को पैदा हुए थे। और आप बहुत खुशी की बात है कि मेरे घर में अशरफ खान को लड़की भी 30 नवंबर को ही, तीन तीन अश्मिरा खान, तीन तीन जन्मदिन आज हमारे पास मनाए जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और आप सब पत्रकार कल से लेकर आज तक नाट्य मंदिर से यहाँ तक आए, मैं तमाम पत्रकार बंधु का भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम नौजवान साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम पक्ष वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सहकार्य किया, हमको बहुत अच्छे से यहाँ बर्थडे जन्मदिन मनाने दिया, उनका भी सबका शुक्रिया। आज हमने जब पब्लिक घूम रहे थे, लोग कह रहे थे कि आज जन्मदिन के अवसर पर आपको आमदारगी की दुआएं दे रहे थे, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए अब आमदारगी की दुआएं लोग देते हैं, लोग चाहते हैं कि मैं आमदार बनूं, लेकिन अल्लाह ताला को अगर मंजूर है तो इंशाल्लाह जरूर आमदार बनूंगा। और जितने मैं कॉर्पोरेशन में 25 साल से लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, विकास के काम कर रहा हूँ, विकास में सबसे बड़ा योगदान मेरा रहता, वैसे अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो बहुत अच्छी खिदमत करूंगा, बहुत अच्छा विकास का काम करूंगा। जनता चाहेंगी मतलब आप आमदार की टिकट भरेंगे, ऐसा वक्त आएगा, पल आएगा सर? इंशाल्लाह आएगा तो जरूर करेंगे। जो इमाम से बोलिए, वंचित से बोलिए, किसी और से बोलिए, कुछ देखिए हो सकता है, अगर होता है तो बिल्कुल हम किसी की तरह ना नहीं बोलेंगे, हम इंशाल्लाह जरूर लड़ेंगे। थैंक यू सर।